नमस्कार सभी को। मैं पूनम गुप्ता, सरकारी अध्यापिका, अलीगढ़ से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और एक अपने स्वरचित कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कविता उस गर्भवती स्त्री के लिए समर्पित है जिसके पहले 3 बेटियां हो चुकी हैं और वो पुनः गर्भ धारण कर रही है। उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं, उन्हीं को मैंने इस कविता में पिरोया है। कृपया आशीर्वाद चाहूंगी आप सभी का। एक गर्भवती मन में कर रही है ये विचार, एक गर्भवती मन में कर रही है ये विचार, क्या होगा अब के बेटी तो हुई थी पिछली बार। भगवान से वो मन्नते करे है बार बार, भगवान से वो मन्नते करे है बार बार, 9 महीने बाद कोख से बेटा हो अब की बार, 9 महीने बाद कोख से बेटा हो अब की बार, बेटी हुई जो फिर से कैसे बाहर आऊंगी, बेटी हुई जो फिर से कैसे बाहर आऊंगी, कैसे पिया से अपने में नजरें मिलाऊंगी, कैसे चढ़ूंगी बेटी लेके सासू माँ के द्वार, कैसे चढ़ूंगी बेटी लेके सासू माँ के द्वार, 9 महीने बाद कोख से बेटा हो अब की बार, 9 महीने बाद कोख से बेटा हो अब की बार। बेटी जन्म के डर से दिल ये कांप रहा है, क्या होगा बेटी साथ मन ये भांप रहा है, क्या होगा बेटी साथ मन ये भांप रहा है, कैसे सहा पहले जो बेटी संग हुआ व्यवहार, कैसे सहा पहले जो बेटी संग हुआ व्यवहार, 9 महीने बाद कोख से बेटा हो अब की बार। कैसे कराऊंगी मैं अपना गर्भ निरीक्षण, बेटी हुई तो उसकी हत्या होगी उसी क्षण, मासूम उस अबोध को क्यों दिया जाए मार, मासूम उस अबोध को क्यों दिया जाए मार, 9 महीने बाद कोख से बेटा हो अब की बार। मैं पूछूं इस जहान से क्यों मारते बेटी, बेटों के हाथ राखियां बांधती बेटी, बेटी के ही वजूद से चलता है संसार, 9 महीने बाद कोख से बेटा हो अब की बार। जीवन में हर एक मोड़ पे ठुकराई जाती है, बलवेदी के दहेज पे चढ़ाई जाती है, क्यों अस्मिता पे उसके किया जाता है वार, क्यों अस्मिता पे उसके किया जाता है वार, 9 महीने बाद कोख से बेटा हो अब की बार, 9 महीने बाद कोख से बेटा हो अब की बार। बेटी ने इस समाज को क्या क्या नहीं दिया, जीवन में फिर भी उसने सारा दर्द है पिया, उसकी ही गोद में पल रहा है परिवार, 9 महीने बाद कोख से बेटा हो अब की बार। बेटी क्यों इस समाज की गमगीन निशानी, जबकि है वो भी आदि शक्ति वो ही भवानी, कर डाले उसने जगत में कितने ही चमत्कार, 9 महीने बाद फिर क्यों बेटा हो अब की बार। उसका मन बदल जाता है कि 9 महीने बाद फिर क्यों बेटा हो अब की बार, उस बीज को जिसने अभी न जन्म लिया है, क्यों टुकड़े टुकड़े करने का प्रण तुमने किया है, मुझको बचा लो मैया आती है ये पुकार, 9 महीने बाद फिर क्यों बेटा हो अब की बार। मैं भी तो हूँ एक बेटी अपने माता पिता की, क्यों चुन रही हूँ लकड़ियाँ बेटी।